केवल भारत समझ खबर। भारत में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा। इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग घर के छतों पर चढ़े। वहां दूरबीन लेंस के जरिए सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा लोगों ने देखा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना सुबह 10:25 से भारत के उत्तरी हिस्सों में शुरू हुआ। हालांकि भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के इलाकों में भी इसे लोगों ने देखा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का पीक भारत के उत्तरी हिस्सों में दिखाई दिया। यह सूर्य ग्रहण सुबह 10:25 से 12:08 तक देखा गया और इससे पहले वलयाकार ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को दक्षिण भारत से आंशिक ग्रहण के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में देखा गया था। आपको बता दें कि अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत में अगले दशक में दिखाई देगा, जो 21 मई 2031 होगा, जबकि 20 मार्च 2034 को पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। भारत के विभिन्न प्रदेशों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी सूर्य ग्रहण देखा गया। आपको बताते हैं कि किस प्रदेश में कितने बजे सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली प्रदेश की, जहां सूर्य ग्रहण सुबह 10:20 पर लोगों ने देखा। वहीं मुंबई में यह 10:43 पर लोगों ने देखा, जबकि चेन्नई में 10:22 और लखनऊ में यह सुबह 10:26 पर लोगों ने। हालांकि आसमान में छाए बादलों की वजह से प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज जैसे तमाम ऐसे जनपद हैं जहां सूर्य ग्रहण का यह अद्भुत नज़ारा लोग नहीं देख पाए। इसके लिए वह छतों पर तो गए, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गौरतलब है कि सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पूर्व ही सूतक काल लग गया था और इस सूतक काल में सभी मंदिर के प्रांगणों को बंद कर दिया गया था, जो कि सूतक काल समाप्त होने के बाद यानी करीब 5 बजे के बाद ही मंदिर के प्रांगणों को खोला जाएगा। इस पूरे सूर्य ग्रहण के बारे में क्या कुछ कहते हैं ज्योतिषाचार्य, आइए आपको सुनवाते हैं। ये कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण है, ये भारत में दृश्य है। भारत के साथ 2-3 देशों में और इसे देखा जा सकता है, संपूर्ण विश्व में नहीं है इसका प्रभाव। और इसका सूतक जो है ये कल 20 तारीख में ही रात्रि 10 बजे से प्रारंभ हो चुका है और इस समय ग्रहण भी प्रारंभ हो चुका है, जो कि ग्रहण का समय था अपने यहाँ मुजफ्फरनगर में हमारी टाइम थी 10:22। 10:22 से ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और 1:49 पर इसका जो है मोक्ष मतलब समाप्ति है। इस समय तरह का इस समय नज़ारा मुजफ्फरनगर में है। इस समय तो बादलों के बीच में नज़ारा है, जरूर कंकड़ाकृत है, ये 1/4 भाग में देखा जा सकता है, पूरी छाया नहीं रहनी है इसकी। है तो दिखा तो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, कंकड़ाकृत है, संपूर्ण छाया में नहीं आएगा सूर्य। और इस तरह का लोगों को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या जाने? इसमें अधिकतर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष करके सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और जिससे कि उन्हें कोई चीज़ काटना नहीं चाहिए, किसी चीज़ को छीलना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, और बालक, वृद्ध, रोगी, इनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं है, वो तो कुछ भी करें। किन राशियों पर अधिकतर पड़ने वाला है इन ग्रहण? इस ग्रहण का लगभग 2-3 राशियां छोड़ करके मेष, कन्या, मीन और मकर को, बाकी लगभग सभी राशियों पे जो है इसका प्रभाव रहेगा। किस तरह का? जैसे कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य हानि, कुछ लोगों के लिए धरहान, कुछ लोगों के लिए अपमान, ऐसी इस तरीके का जो है इसमें प्रभाव। दान करना चाहिए इस ग्रहण काल में? दान तो हमारे यूज की जो भी चीज़ें हैं गृहस्थी की, हर चीज़ दान किया जा सकता है ग्रहण काल के बाद, स्नान करने के बाद, अन्न का, वस्त्र का, धन का, हर चीज़ का दान किया जा सकता है इसमें, जितना भी दान किया जा सके वो कम ही है। दान का तो बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इसलिए दान तो किया जा सकता है।